हेलो डिफेंस लवर, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस अरीना 007। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बताने जा रहे हैं ब्राज़ील की एक ऐसी मिसाइल के बारे में जो कि उसने खुद ही बनाई है। और यह जो मिसाइल है वह एक क्रूज मिसाइल है और यह एक लैंड बेस्ड क्रूज मिसाइल है। तो इसका नाम है AVTM-300। देखो, आपको मैं बता दूँ, यह जो मिसाइल है यह पूरी तरह से इंडिजीनियस ब्राज़ील ने बनाई है, ठीक है। और इसकी जो सर्विस की बात कर लें तो हम ये दिसंबर 2001 से सर्विस में है और इसे यूज्ड करती है ब्राज़ीलियन आर्मी। अब बात करेंगे हम इसके मैन्युफैक्चरर की, यानी कि कौन इसे बनाता है। तो उसका नाम है एबिब्रास, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एबिब्रास है क्या। तो देखो, आपको बता दूँ कि एक प्राइवेट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। इसकी स्थापना आज से 60 साल पहले 1960 में हुई थी। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है साओ जोसे डॉस कंपोस में, जो कि ब्राज़ील में ही पड़ता है। बात करें इसके प्रोडक्ट की, तो यह जो मैन्युफैक्चरर है यानी कि एबिब्रास, यह मिसाइल्स के साथ साथ एंटी एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी, आर्मर्ड व्हीकल, इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाता है। और आपको बता दूँ, इसकी जो कैपेसिटी है वो 1600 एम्प्लॉयज़ में काम करते हैं। तो बात कर लेते हैं हम मिसाइल्स के बारे में। इसकी जो ये जो मिसाइल है, इसकी यूनिट कॉस्ट है वो $1 मिलियन है। बात करें इस मिसाइल के वेट की, तो इस मिसाइल का जो वेट है वो 1140 केजी का है। बात करें इसकी लेंथ की, तो इस मिसाइल की जो लेंथ है वो है 5400 mm। बात कर लेते हैं इसके डायमीटर की, तो इस मिसाइल का जो डायमीटर है वो है 450 mm। बात करें इसके वॉरहेड की, तो यह मिसाइल अपने साथ 200 से लेके 500 केजी तक का वारहेड ले जा सकती है। अब बात करूँगा मैं इस मिसाइल में यूज़ होने वाले इंजन की, तो इसमें टर्बो मशीन TJ-1000 टर्बो जेट इंजन यूज़ होता है। बात करें इसके विंग स्पैन की, तो इसका जो विंग स्पैन है वह 1250 mm का है। और अब बात कर लेता हूँ मैं इसके प्रोपेलेंट की। देखो, इसमें फर्स्ट स्टेज पर सॉलिड प्रोपेलेंट यूज़ किया जाता है, जबकि सेकंड स्टेज पर इसमें टर्बोजेट। बात करें इस मिसाइल के रेंज की, तो इसकी रेंज 30 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक की है। यहीं पर बात करें हम इसकी स्पीड की, तो जो इसकी स्पीड है वह 0.85 मैक की है। गाइडेंस सिस्टम की बात करें, तो इसमें GPS और INS टाइप गाइडेंस सिस्टम यूज़ होता है। एक्यूरेसी की बात करें, तो इसकी जो एक्यूरेसी है एज़ कम्पेयर टू इसकी डिस्टेंस के काफ़ी कम है, यानी कि लेस देन 30 मीटर तक की है। एक्यूरेसी का मतलब, जहाँ पर ये टारगेट, जो टारगेट इसे मिला है, उस टारगेट को अंडर 30 मीटर के ये हिट कर देगी। लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात करें, तो इसे एस्ट्रोस 2020 से लॉन्च किया जाता है, जिसके लैंड वर्जन को, ठीक है। और बात कर लेते हैं हम एस्ट्रोस की, तो ये एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। और आपको बता दूं कि इसका जो एयरफोर्स वेरिएंट है वो अभी 1 के तैयार हो गया है, जो कि 2019 में फाइनलाइज्ड कर दिया गया था। और इसकी रेंज भी 300 किलोमीटर है और यह MICLABR के नाम से जाना जाता है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि अब लगातार मिसाइल सीरीज़ की ही वीडियो आने वाली हैं, ऑल कंट्रीज़ मिसाइल के बारे में बताने वाला हूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत।